हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद शाहनवाज़ आलम, मैथमेटिक्स लेक्चरर। इट्स माई 38th वीडियो लेक्चर ऑन द टॉपिक डिफरेंशिएशन। टुडेज़ टॉपिक इज़ प्रॉब्लम्स ऑन डिफरेंशिएशन। हम देखेंगे, अभी तक हम लोगों ने देखा था डिफरेंशिएशन क्या है। पहले हम लोगों ने सीखा था कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, और थोड़ा सा प्रॉब्लम्स अभी लास्ट में जो वीडियो लेक्चर्स में देखा था। आज के वीडियो लेक्चर्स में हम डिफरेंशिएशन के प्रॉब्लम्स को आगे बढ़ाएंगे कि क्या किस किस टाइप के प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। बहुत सारे टाइप्स के हैं, देखते चलते हैं। अभी सिंपल प्रॉब्लम्स करा रहा हूँ, बाद में फिर टिपिकल को कराऊंगा। इफ़ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन रूट एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। सबसे पहले इसको मॉडिफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स टू द पावर हाफ हो जाएगा डिवाइडेड बाय x। ये एक्सपोनेंट का लॉ है ना, x का पावर m डिवाइडेड बाय x का पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, सेम बेस होने पर ये पावर घट जाएगा, m माइनस n। ओके, तो ये हो गया, इसमें वन है, हाफ माइनस वन, हाफ में से वन गया माइनस हाफ। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, एक्स स्क्वायर टू माइनस हाफ पावर ऐड हो जाएगा, x माइनस हाफ है ना, ये टू टू जो फोर माइनस वन थ्री बाई टू। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे ऑपरेटर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या ऑपरेटर है डिफरेंशियल ऑपरेटर, डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स इसमें अटैच हो गया, डी बाई डी एक्स इसमें अटैच हो गया, डी बाई डी एक्स इसमें अटैच हो गया। अब ये क्या बनेगा, एक्स टू द पावर एन का एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ये भी वही फार्मूला पर है, डी एक्स एन बाई डी एक्स, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ये आ गया एन एक्स टू द पावर, ये हाफ आ गया ना, प्लस माइनस माइनस हाफ, एक्स टू द पावर टू वन जो टू माइनस वन माइनस थ्री बाई टू। एक्स टू द पावर हाफ को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट एक्स। ये अच्छा, ये प्लस हाफ है तो ये रूट एक्स डिनोमिनेटर में कैसे आ सकता है, डिनोमिनेटर में नहीं आके ये पॉजिटिव में आएगा। ओके, न्यूमिनेटर में आएगा, ये आ गया थ्री थ्री रूट एक्स डिवाइडेड बाई टू, और ये माइनस है, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, और थ्री बाई टू को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स टू द पावर थ्री बाई टू को हम लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर वन इंटू एक्स टू पावर हाफ, वन प्लस हाफ थ्री बाई टू होता है, एक्स को एक्स और एक्स टू पावर हाफ को रूट एक्स। तो हम इसको नीचे डिनोमिनेटर में ले आएंगे माइनस को ख़त्म करने के लिए, तो एक्स रूट एक्स हो जाएगा, ये आंसर हो गया ना। ओके, इसके बाद है, एक सेकंड से हम देखते हैं, इफ़ वाई इज इक्वल टू रूट ओवर वन प्लस साइन एक्स बाई थ्री, फाइंड डी वाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई। गिवन वाई इज इक्वल टू, इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे, ठीक है ना, वाई इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है वन प्लस साइन एक्स बाई थ्री। ओके, तो यहाँ पर एडजस्ट करने के लिए हमें कुछ फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी। साइन एक्स का फार्मूला क्या होता है, हाफ एंगल में टू साइन एक्स बाई टू एंड कॉस एक्स बाई टू। ओके, हाफ हो जाता है ना, ये फार्मूला है। और हम लोग एक और का इस्तेमाल करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो मेरा वन होता है, ये आइडेंटिटीज को इस्तेमाल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको देखेंगे, साइन एक्स इसको एक्स मानो, तो साइन थीटा क्या होता है, टू साइन थीटा बाई टू, इसका हाफ हो जाएगा ना, थीटा बाई टू करेंगे तो एक्स बाई सिक्स हो जाएगा, और कॉस थीटा बाई टू है ना, मतलब एक्स बाई सिक्स हो जाएगा ये। और इसी एंगल को एडजस्ट करेंगे, टू साइन एक्स बाई सिक्स है प्लस इंटू कॉस एक्स बाई सिक्स है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई सिक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई सिक्स, ये तो वन हो जाएगा ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, ताकि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी के फॉर्मूला में सेट हो जाए। ठीक है, दैट्स वाई पहले इसको लिखेंगे ना, साइन थीटा टू साइन थीटा बाई टू, ठीक है, कॉस थीटा बाई टू, और इसी एंगल के आधार पे हम लोग इसको सेट करेंगे वन को, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो वन हो गया, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स बाई सिक्स प्लस साइन एक्स बाई सिक्स। देखो यहाँ एक्स की जगह अब एक्स बाई सिक्स आ गया ना, ये चेन रूल इस्तेमाल होगा, जरूरत पड़ गया हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। डिफरेंशिएटिंग वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ ऑपरेटर बढ़ जाएगा, डी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स, लेकिन ये देखो मिसमैच है, ये मैचिंग नहीं होने की वजह से हम इसको ऑपरेट नहीं कर सकते, तो हमें इसको मैच कराना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स बाई डी एक्स जो होता है वो माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, ये फार्मूला है, जब ये फार्मूला है तो ये यहाँ मैच होता है ना, जब तक मैच नहीं होगा इसको जाने नहीं देगा, माइनस साइन एक्स बनने नहीं देगा, तो हम इसको थोड़ा सा सेटअप करते हैं, डी कॉस एक्स बाई सिक्स है, तो यहाँ कॉस जिसको ऑपरेट कर रहा है वही हमको यहाँ चाहिए, यहाँ देखे फिर हम इसको हटा लेंगे, बैलेंस है ना, और ये डी एक्स इधर आ जाएगा, इसमें भी सेम प्रोसेस किया है। ठीक है, ये क्या बन गया, डी कॉस एक्स बाई डी एक्स, ये फार्मूला बन गया है ना, अब जाने देगा इसको, माइनस साइन एक्स का, एक्स की जगह एक्स बाई सिक्स काम कर रहा है, और ये वन बाई सिक्स अगर बाहर आ जाएगा तो ये बचेगा डी एक्स बाई डी एक्स, जो कि वन बचेगा ना। ठीक है,
साइन की जगह भी सेम कॉस हो जाएगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है, और ये 1/6 बाहर आ जाएगा तो 1 बचेगा। 1/6 दोनों से कॉमन ले लो तो इसको पहले लिख देते हैं, कॉस एक्स बाई सिक्स माइनस साइन एक्स बाई सिक्स। हमें डिफ्रेंशिएशन बोला था डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इजिकल टू पाई पे 180 पे, क्वेश्चन देख लोगे 180 पे, तो 180 रख दो यहाँ पर, तो ये कॉस पाई बाई सिक्स माइनस साइन पाई बाई सिक्स। कॉस 30 डिग्री क्या होता है, रूट 3/2, साइन 30 क्या होता है, 1/2 है ना। ओके तो ये एलसीएम लेंगे तो 2, 2 6 12, और ये रूट 3 - 1 बेस इक्वल है, डायरेक्ट ऐड हो जाएगा ना, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ये। ओके आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में ये 11th पे पढ़ाया गया है, फिर भी हमने स्टार्टिंग से बताया है प्रोडक्ट रूल। इफ़ यू एंड वी बी एनी टू फंक्शंस ऑफ एक्स, देन द प्रोडक्ट रूल इज़ गिवन बाय डी बाई डी एक्स। यू भी फंक्शन ऑफ एक्स होगा, वी भी फंक्शन ऑफ एक्स होगा। अगर एक जैसा होगा तब भी होल्ड करेगा, एक जैसा होगा तो मिलाकर एक बना लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स क्यू है, तो एक्स फाइव कर लेंगे, डबल करने की ज़रूरत क्या है। लेकिन अगर डिफरेंट ब्रांचेस से होंगे, जैसे एक ट्रिग्नोमेट्री से, एक एक्सपोनेंशियल से, ई एक्स साइन एक्स, या एक्स साइन एक्स अल्जेब्रा से और ट्रिग्नोमेट्री से, तो मिलेगा नहीं ना, मिक्स होकर एक फंक्शन बनेगा नहीं, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ठीक है ना। क्या फार्मूला होता है, यू रहा तो वी का डिफ्रेंशिएशन प्लस वी रहा तो यू का डिफ्रेंशिएशन। ओके जैसे यहाँ पर एफ वाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, फाइन डी बाई डी एक्स लिख दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो डिफरेंशियल ऑपरेटर को, डी बाई डी एक्स दोनों तरफ बांट दिया, ठीक है। ये देखो इसको यू माना, यू किसी को मान सकते हैं, वी किसी को भी, तो यू रहा तो वी का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन बोलने का मतलब डी बाई डी एक्स लगेगा, प्लस वी रहा तो यू का डिफरेंशिएशन, ये इसको ऑपरेट करेगा ना, आगे वाले को, पीछे बैक वाले से को मतलब नहीं होता, ठीक है ना। इसको डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर एन होता है ना, एक्स टू पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, 2x 2 - 1 होगा ना, 2x हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन ले लो तो x x cos x प्लस 2 sin x हो गया, ये सिंपल है एकदम, कुछ नहीं है इसमें ना। ओके ना इसके बाद है कोशेंट रूल। कोशेंट रूल किसको बोलते हैं, डिवाइड रूल को ना, कोशेंट रूल बोलो चाहे डिवाइड रूल बोलो। ओके डिवाइड रूल, डिवाइड रूल अभी आपका वही है, इफ़ यू एंड वी बी एनी टू फंक्शन ऑफ x, देन कोशेंट रूल इज गिवन बाई डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी। देखो इसको थोड़ा याद रखने के लिए क्या करेंगे, ये वी स्क्वायर होगा, वी रहा पहले यहाँ ना वी है तो इसको स्क्वायर कर देंगे, वी रहा तो यू का डिफरेंशिएशन माइनस होता है, पहले वी स्क्वायर है तो वी यहाँ रखेंगे। ओके वी रहा तो यू का डिफरेंशिएशन माइनस यू रहा तो वी का डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को मैंने शुरू क्लास में बताया था, डैश से डिनोट करते हैं, यू बाई वी का डिफरेंशिएशन मतलब यू बाई वी का डैश, तो ये क्या होगा, वी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, वी यू डैश माइनस यू वी डैश। ओके जैसे एक एग्जाम्पल है y इजिकल टू एक्स बाई लॉग एक्स, डिफ्रेंशिएट करो, डी बाई डी एक्स दोनों तरफ आ जाएगा, ऑपरेटर आएगा है ना, डिफरेंशिएशन का मतलब फंक्शन ऑफ x में है तो डी बाई डी एक्स ही ऑपरेटर दोनों तरफ आएगा, ये u बाई वी में है, तो v स्क्वायर, v रहा तो u का डिफरेंशिएशन मतलब डी बाई डी एक्स लग जाएगा इसके साथ, माइनस u रहा तो v का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। ओके फॉर्मूला में पुट कर दो बस, तो ये क्या आ जाएगा, लॉग एक्स और ये डी एक्स डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो, कट के 1 हो जाएगा, छोड़ दो x, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन शर्त है, कुछ नहीं दिख रहा है मतलब यहाँ पर ई है ना बेस में, कुछ नहीं दिख रहा है मतलब ई है, कुछ दिख रहा है अगर ई के अलावा कोई नंबर रहेगा तो फिर 1/x नहीं होगा, हमको चेंज करना पड़ेगा, बताऊंगा मैंने अगले वीडियो लेक्चर में। डी लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, 1/x, ये दोनों कट गया, क्या बचा, ये बच गया हमारे पास लॉग एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई लॉग एक्स का होल स्क्वायर। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है, ऐसे तो मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई कमेंट, अगर कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो ज़रूर से कमेंट करें, कुछ नया चीज़ सीखना है तो आप ज़रूर बताएं हमको, हम आपको बिल्कुल ज़रूर सिखाएंगे, और अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर। ओके थैंक यू।